कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले हर बार कई नियम बनाए जाते हैं, लेकिन टिकट वितरण में सभी वादे धरे के धरे रह जाते हैं। बाजी वही मारते हैं जो बड़े नेताओं की पसंद और उनके वफादार होते हैं। कांग्रेस ने गत विधानसभा चुनाव में दो बार हारे, 70 वर्ष से अधिक उम्र अधिक वोटों से हारे, खराब छवि वालों को टिकट से बाहर रखने और परिवारवाद को महत्व नहीं देने के वादे किए, लेकिन टिकट का समय आया तो सब कुछ धरा रह गया। वहीं इस बार चुनाव को लेकर कांग्रेस में हो रहा है सबसे ज्यादा सर्वे के आधार पर टिकट वितरण को लेकर खूब दावे किए गए, लेकिन फिर एक बार सारे सर्वे धरे रह गए। कांग्रेस ने अब तक 76 टिकट बांटे हैं, उन्हीं को टिकट मिले हैं जो राज्य के सबसे बड़े नेताओं की पसंद है। मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर फिरा पानी। राजनीतिक दलों के चुनाव से पहले के वादों में सबसे बड़ी हार मतदाताओं और पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की होती है। जब टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस नियम बनाती है तो कार्यकर्ता बार बार टिकट मिलने वालों से मुक्ति की राह देखते हैं। वहीं क्षेत्र के अन्य नेता टिकट की उम्मीद में दिल्ली की भागदौड़ शुरू कर देते हैं। कांग्रेस में इस बार यही हो रहा है, सर्वे धरा रह गया, कार्यकर्ता मायूस। और कांग्रेस में जब नीति के आधार पर ही टिकट देने का दावा किया गया तो तमाम विधानसभा क्षेत्रों के युवा नेताओं ने जयपुर और दिल्ली की दौड़ को तेज करने के साथ साथ क्षेत्र में भी खूब भागदौड़ की है। नाम में उनके सर्वे में शामिल हुए, लेकिन टिकट वितरण में विधायकों की ही लॉटरी लगने से वे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मायूस होकर बैठ गए जो लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे थे। सर्वे पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं नेता। सर्वे के आधार बनाने के दावे करने वाली पार्टी के ही कुछ नेता अब सर्वे पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि सर्वे करने वाले किस तरह मोटी रकम वसूलते हैं और किया उल्टा फेर करते हैं ये सभी जानते हैं।